लेकिन पता नहीं क्या है, जब मैंने कहीं जाना हो तो मुझे ऐसे लगता है मेरे पास फाउंडेशन ही क्यों। ये मेरी फुल एंड फाइनल लुक, ये मेरी लैशेस अभी नहीं फूटी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं बहुत टाइम के बाद दोबारा से वापस आई हूँ। आज मुझे थोड़ा सा दौरा पड़ा है फिर से वीडियो का। ये मुझे कि मैं 3-4 माह के बाद ना दोबारा से फिर पढ़ते हैं ना, क्योंकि पर्स नहीं, ये मैंने अपने शौक से चैनल बनाया था, लेकिन फिर मैं बीच में थोड़ी सी बिजी हो जाती हूँ, इस वजह से मैं नहीं बना पाती वीडियो, या फिर वट एवर जो भी होता है इशू, इस वजह से नहीं बना पाती। तो लेकिन आज जो है, पता नहीं आज मुझे फिर क्यों दोहरा पड़ा कि सही है मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँ। तो अच्छा, अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी रेगुलर, बेशक भी मैं ना डेली ना डालूं, दूसरे तीसरे दिन ना डालूं, कम से कम वीक में मैं एक या दो वीडियो लाजमी डाला करूंगी, जो 2-3 दिन की मिक्स होंगी, जो एक दिन की नहीं होगी, जो 2-3 दिन की मिक्स होंगी। तो मैं अभी, आप पता नहीं बोर होते हैं क्या होते हैं, लेकिन बहरहाल शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग जा रहे हैं कहीं छुट्टियों पे, उसकी तैयारी शुरू है। तो मेरे पास मोस्टली जो वैनिटी है मेकअप की, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मेकअप है वो मेरा शौक है, मेरा पैशन है, एज ए प्रोफेशन भी मैंने इसको काफ़ी अरसे तक रखा है। लेकिन अभी चूंकि मैं, हम लोग कंट्री मूव कर गए थे 7-8 साल पहले, तो इस वजह से फिर इधर थोड़ा बच्चे छोटे हैं, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है इस वजह से। खैर, अभी जो है मैं अपनी चीज़ें कुछ कलेक्ट कर रही हूँ, मैंने कुछ चीज़ें अपनी इकट्ठी की हैं। और मैंने जब भी कहीं जाना हो ना, तो मेरा मेन प्रॉब्लम जो होती है ना, वो मुझे सबसे बड़ी होती है फाउंडेशन की, जो मेकअप में ना मुझे ये होता है मेरा। एक तो मैं जिधर जाऊँ, क्योंकि यूरोप में आप कहीं भी चले जाएँ ना, तो आपका जो पैदल चलने वाला ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मुझे ये होता है कि मैं जो भी मेकअप लगाऊं, सुबह एक दफ़ा जब निकले तो तब लगाऊं, और वो होल डे स्टे करे शाम तक इवन के। लेकिन बहुत बहुत अच्छी ब्रांड्स का लेने के बावजूद भी ना कोई बीच में पंगा पड़ जाता है। और जब मुझे, मैं कहीं जाऊँ, तो मुझे पर्सनली होता है कि जो मेकअप भी हो वो हो, जो वाटरप्रूफ हो मेरा मेकअप, और ज़्यादा थिक उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना हो, मतलब नेचुरल लगे मेरी स्किन है। अभी बाय द वे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अभी ये भी मैंने वीडियो बनाने के लिए कि बिल्कुल डल सा फेस ना आए, तो ये मैंने ना बेनिफिट का जो लिप एंड चीक टिंट है ना, वो मैंने लगाया। तो अभी मैंने रिसेंटली जो है वो बाय की है फाउंडेशन, मुझे पता चला था बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग है, होल डे स्टे करता है। तो अभी जो है मैं आपको वो दिखाती हूँ कौन सा फाउंडेशन है। पैकेजिंग तो मैंने उसकी परसों ही उतार के फेंक दी थी, लेकिन ये कि मैं आपको फाउंडेशन दिखाती हूँ। चलें। अच्छा जी, ये जो है ना, ये मेरी आ गई है एक छोटी सी ड्रॉ, जिसमें मेरा मेकअप पड़ा होता है, मेकअप मसलन फाउंडेशन और ट्रांसलूशन पाउडर जो है ना, वो मेरे पड़े होते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है मेकअप की, लेकिन मैं लगाती बहुत कम हूँ, अभी भी देखेंगे तो सिंपल हूँ मैं। अच्छा, जो मैंने फाउंडेशन अभी लिया है ना, वो है जी ये नार्स का, दी बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट, सुपर 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 स्टे लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। अच्छा, तो ये उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ब्रांडेड चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, बताने का सिर्फ। वैसे पाकिस्तान हमारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी ब्रांड्स की चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि जो मेरे बायर के फॉलोअर्स हैं वो, या फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। वैसे तो ये पाकिस्तानी मुंह भी बिल्कुल वैसी काफ़ी है, अगर उस तरह रखना हो तो सिंपल आपके सामने हूँ मैं रैंडमली। वैसे मैं ऐसे ही फिर रही होती हूँ सारा दिन सारे घर में, क्योंकि काम भाई सारे अपने इधर करने होते हैं खुद ही। सुबह उठो तो किचन में साथ दे दो, उसके बाद बच्चों में दे दो, उसके बाद सारे घर के काम, तो उसके बाद यही हालत और कंडीशन होती है। और अभी वीडियो बनाने के नज़रिए से मैंने नहीं स्टार्ट किया था, बस अभी पता नहीं क्या मुझे, मैं उठ के एकदम से शुरू हो गई हूँ कि नहीं अभी तो मैंने करना ही करना है, बहरहाल इंशाल्लाह अभी कोशिश करूंगी। अच्छा, मेरी स्किन जो है ना, वो है वर्ल्ड ड्राइएस्ट तरीन स्किन है मेरी। पाकिस्तान में वैसे मेरी कॉम्बो स्किन थी, ठीक है ना, लेकिन जब से मैं फ्रांस में आई हूँ, इधर मेरी स्किन एक्सट्रीम लेवल की ड्राई हो गई है और मुझे एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। ये नार्स का जो फाउंडेशन है ना, ये टिंटेड
बी फाउंडेशन आप इसको कह सकते हैं हाइड्रेटिंग है, ये ड्राई स्किन के लिए दी 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 बेस्ट है, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त है। और शेड आपको मैं बता देती हूँ, लेकिन शेड का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हर स्किन टोन का जो होता है वो डिफरेंट होता है। L4 ये देखें, ये है जी इसका, इसको रोटेट करिएगा तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा क्योंकि मैं वीडियो फोन से बना रही हूँ। अच्छा जी, ये है मेरा, और मैं आपको दिखा दूं, ये नहीं मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे से हैं, लेकिन अगर कोई भी बंदा चाहता है कि होल डे स्टे करे, मेकअप ड्राई स्किन वाला बंदा है, नार्स में मैंने पहले लिया था, वो दूसरी पैकेजिंग में था, लंबे वाले में ना, मुझे नाम नहीं है याद रहते उसमें, लेकिन वो मुझे नहीं सूट किया। मैं लेती जो भी नया आता है मैं लेती ज़रूर हूँ, ये बाद में मुझे पता चलता है ओहो ये तो ड्राई स्किन का, ये तो ऑयली स्किन का, इस तरह तो इस वजह से वो फिर थोड़ा मिसहैप हो जाता, फिर रख देती हूँ। फिर जो भी और भी मैंने वैसे काफ़ी शौक से लिए हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पता नहीं क्या है, जब मैंने कहीं जाना हो तो मुझे ऐसे लगता है मेरे पास फाउंडेशन ही क्यों नहीं। ये एयर ब्लश फाउंडेशन, एयर आश फाउंडे फ्लॉलेस फाउंडेशन, ये उसका है शार्लेट अर्बरी का, शार्लेट अर्बरी के बाय द वे मेरे पास दो हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ये भी है। उसके बाद ये मेरा शनैल का है, ये मैं ले आई थी, लेकिन देखें मेरे काम आप, शेड में गलत उठा लाई, लेकिन क्या हो सकता है, ठीक है। ये अरमानी का, ये भी बहुत अच्छा है वैसे, जो ल्यूमिनस सिल्क इसका फाउंडेशन है, पता नहीं क्या बात है, मुझे कुछ उस तरह से सूट नहीं किया ना, मुझे कुछ हाफ नहीं लगा। और हुदा ब्यूटी बड़े शौक से दूसरी दफ़ा मुझे लेते हुए, लेकिन इसकी फुल कवरेज है, आई डोंट लाइक फुल कवरेज फाउंडेशन। उसके बाद ये बहुत ऑसम है यार, फेंटी ब्यूटी का ना, बहुत ज़बरदस्त है, ये भी टिंटेड फाउंडेशन है ना, ठीक है। और कौन सा है भाई, उसके बाद ये है मेरा, अभी मैंने काफ़ी सारे यहाँ से उठाए हुए हैं, ये मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया मेकअप फॉरएवर का, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आसम है। ये अगले दिन ला गया जी, लोरियल का कौन सा है, ये सीरम टिंटेड फाउंडेशन है इसका, हाइलोरन विद हाइलोरन एसिड, ये देखिए आप बोतल खाली पड़ी है, ये न्यू लाई हूँ मैं, मेरे बेटे के हत्थे चढ़ गया है और मेरे बेटे ने इसको सारे को नीचे पिला कर बर्बाद तबाह बर्बाद कर दिया, ये देखिए अभी भी नीचे बैठा हुआ मेरे पास। अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा इसका दे देती हूँ रिव्यू टाइप तो नहीं, और एक और मेरे साथ जो बहुत एक सानहा पेश आया, वो मेरा जी ये शनैल का न्यू लेके रखा था मैंने अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये भी मेरे इस कोने मोने बच्चे के हाथ आ गया, इसने नीचे गिरा के उसकी वो माँ बहन की है ना, कि मैंने पिट पिट के कख नहीं छोड़ा और रो रो के मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रो रो के मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी इसने तो मेरा तबाह कर दिया, ये मेरी डेली बेसिस पे मैं लगाती हूँ, IT कॉस्मेटिक की सीसी क्रीम है, SPF 50, ठीक है, और ये नसीबे की है, ये भी SPF 50 है, डेली बेसिस पे वैसे मैं इस आके लगाती हूँ, अभी मैं लगाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि जी कैसा लगता है। अच्छा जी, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये वीडियो जो है ना, ये मैंने रैंडमली शुरू कर दी है, मैंने कोई इसके लिए तैयारी शारी नहीं की, मैं जिस तरह की थी मैं वैसे ही आपके सामने आ गई हूँ, ठीक है ना, तो अभी आप मुझे जज ना करिएगा, ना ये बोलिएगा कि ये दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए, ये नहीं, बस जो मेरी एक फेवरेट चीज़ है मैंने आपको वो दिखाई, या जो बाय कर सकते हैं जो ले सकते हैं वो मैंने दिखाई, जो नहीं ले सकते कोई डजन मैटर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, आपको इतनी प्यारी शक्ल अल्लाह ताला ने दी हुई है, अपने अपने कुछ शौक और इंटरेस्ट की भी बात होती है। अच्छा, अभी मैंने फेस अपना वॉश किया हुआ है सुबह का, और सनस्क्रीन वगैरह मैंने अभी दोबारा लगाया, अभी मैं आपको इतनी तारीफें कर रही हूँ तो मेरा दिल है लगा के मैं बता दूंगी क्या। अच्छा, ये जो है एम्ब्रोलीज का जो है ये, अच्छा एम्ब्रोलीज ने ना अपनी पैकेजिंग चेंज कर दिया, जो इनका है ना ये लाइट नहीं, ये मल्टी फंक्शनल जो इनका है, ये बेस भी है, मास्क भी है, और बला 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 ये वो है, ठीक है ना, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा ना अपने फेस पे लगाने लगी हूँ, वैसे मुझे मॉइस्चराइजिंग की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जो लगाती हूँ ना सन ब्लॉक उसमें मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी होता है, पर फिर भी मैं आपको लगा के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने भी इतनी तारीफ किया तो आपको बता ही दूँ कि कैसा है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी ना रनी कंसिस्टेंसी है, ये देखें ये, और ये छोटे छोटे हैं वैसे इसके पाम, और ये देखें सफोरा पे लेने के लिए जब जाओ ना, तो सफोरा वालियों का मेन जो इशू होता है ना, वो होता है जी 6 टोन आपको डार्क दे देंगी, ठीक है ना,
और मेरा अल्लाह के जनाब से जो मैं थोड़ा चलती हूँ तो कुछ बॉडी हीटअप होती है, तो मेरा जो ऑक्सीडाइज हो जाता है फाउंडेशन। तभी मैंने उसको बोला, मैंने कहा अल्लाह की बंदी, तुझे पैदा करने वालों का वास्ता, मुझे डार्क कलर ना देना, मुझे एज इट इज़ मेरी स्किन की टोन देना, ताकि अगर डार्क हो भी तो एक टोन डार्क हो जाएगा। गंदी शर्ट डाली हुई है इसने, ये चलता है भाई, इधर सब कुछ ऐसे ही है। आपने ये नवाबी तरीके जो है ना, हमारी ये पाकिस्तानी नवाबी कौम है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर जो भी है ना खुद ही करना है। आई थक गई यार, देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं अपना, पता नहीं सब कुछ है मेरे पास, पर जो अपना पंजाबियों का देसी पालना ना वो नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहिए, मैं चाहती भी नहीं कि वो कभी भी जाए। क्योंकि आप जिधर मर्जी पहुंच जाएं, पाँव आपके हमेशा ज़मीन पे होने चाहिए, इसलिए ये देखें जी, ये देखें। कितना फिट लग रहा है। अच्छा मेरा ना एक दिल किया था उसका ना लेने पे, क्या उसको बोलते हैं यार, एस्टी लॉडर का, लेकिन एस्टी लॉडर जो है ना वो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट नहीं है। तो है अभी इस पे ट्रांसल्यूशन पाउडर लगाते हैं, जिस तरह मैंने फाउंडेशन आपको बेस्ट 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 बताया ना, वर्ल्ड बेस्ट ट्रांसल्यूशन पाउडर जो है ना, ये देख लें, ये मेरे पास है, ये देख लें, ये शनैल का हाल ही नहीं है, बीज में है, ये देखें, ये है लोरा मर्सी है, ये है फेंटी ब्यूटी, ठीक है, और सफोरा कलेक्शन है सफोरा का। लेकिन आप यकीन करेंगे जो लोरा मर्सी है या जो भी लटरम फटरम यूज़ करने, नहीं अभी नहीं लगाना, बात हूँ मैं भूल गई, वो ये एक दफ़ा लगा के चेक करें यार कितना फिट है ये, आप देखते रह जाएंगे। ये मैंने ना अभी और शेड लिए हैं इसमें रेयर ब्यूटी में ना, तो मैं आपको इसका भी प्रॉपरली रिव्यू दूंगी, जो कहते हैं इसके बारे में, पाकिस्तानी का भी दूंगी, टेंशन नॉट। अच्छा चलो पाकिस्तानी बोला, पाकिस्तानी लगाती हूँ मैं, ये मैं लगाने लगी हूँ, कौन सा है, ऑर्गेनिक हबका, बहुत यार वैसे फिट है ये, बहुत ऑसम है ये वाला ना, ये रोजी सा कलर है इसका, मुझे ब्लश ना लगाना पड़े, क्योंकि मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे ब्लश हैं। तो ये मेरा ना कुछ डेली का मेकअप होता है, चाहे उसमें बेस चेंज हो जाती है, बस ये कि इधर भी थोड़ा सा लगा लें, आपकी ना स्किन ज़्यादा बेबी लुक आती है, और इधर भी ये मैं धीरे ये लिप्स भी लगा देती हूँ। कलर चेक करो यार, फिट है कलर ये, साथ ना थोड़ा वो भी हो गया मेरी डेली मेकअप की जो वो है, ये हो गया सबू आई, अपने हाथ से ना चीज़ें गिर गिर के मेरी बर्बाद हुई। अच्छा ये ट्रांसलूशन पाउडर, अच्छा कुछ लोग ब्रश के साथ लगाते हैं, पता नहीं ब्रश के साथ ना मुझे कुछ सेटल सा नहीं लगता ना, अब मैं कहीं बाहर भी जाऊंगी तो अभी मेरा यही मेकअप होगा, ठीक है ना, घर पे यही होता है, बस मस्कारा वगैरह नहीं लगाती हैं, बस बस मेकअप है सबसे ज़्यादा जो फेवरेट चीज़ है ना मेरी, वो मस्कारा है। ट्रांसलूशन पाउडर एक तो केकी नहीं फील होता, ठीक है ना, और दूसरा ये कि जैसा अभी गर्मी है तो हर एक चीज़ जो है वो उबर के आ जाती है, तो इससे वो मसला भी नहीं होता। एवरीडे मेकअप लुक नेचुरल नेचुरल, ये देख लो यार, हर एक चीज़ एग्जैक्ट बताती हूँ, जिस हिसाब से मैं जो कुछ भी करती हूँ, सिर्फ देखो कितना फिट, ये मैं आपको ना वैसे नेचुरल लाइट में दिखाऊंगी। अच्छा मैंने बड़े 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 ब्रांडों के मस्कारे लिए हैं, फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया है, ये उसका है लैश पैराडाइज लोरियल का, यार क्या मस्कारा है,
ये मेरी लैशेस अभी नहीं फूटी हैं क्योंकि मैं पाकिस्तान में गई थी 12वें महीने में शादी पे अपने ब्रदर इन लॉ के। मैं इधर क्योंकि बोले अमोथौर पे हमारा कुछ प्रोग्राम बना था तो मैं इधर से करवाना था, पर मैंने इधर से कोई ना कराई। मुझे पता नहीं क्या अंत ने उठाया था, मैं पाकिस्तान जाके ना लाला मूसा का पता नहीं क्या स्टूडियोज का नाम है भाई, निकलते हुए लाला मूसा से निकलते हुए ना लेफ्ट हैंड साइड पे, ओए हॉय टिकटॉक पे भी वो आती है। उससे मैंने लैश एक्सटेंशन करवाई, उसने बोला जी 3 दिन तक टच नहीं करना, मुंह नहीं धोना। हम लोग लास्ट डेज में गए हुए थे शॉपिंग करनी थी हमारी, और आप साहब का मुंह भी नहीं धोना। मैंने गंदा मुंह ले ले के मैं शॉपिंग करने के लिए जाती रही हूँ, चिट्टे रंग की बदौलत बंदा छुप जाता थोड़ा, इतना फायदा होता है जैसा हर एक चीज के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेज। ये देखो यार कितना ज़बरदस्त है, अभी मैंने सही लगाया ना, मैं ज़रा जल्दी जल्दी में लगा रही हूँ। ये जी लैश पैराडाइज, ये तकरीबन मैं आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ, ये आप रेगुलर मेकअप से हट के भी कर सकते हैं। मीन्स के जब आपने कहीं जाना, आईब्रो उठाने करें, लाइनर लगा लें आप, और यही सारी चीज़ें रख के बस कुछ चीज़ें ऐड करें तो वो फिटो फिट हो जाएगा। अच्छा ये मेरा सेंस का है मेक मी ब्रो आईब्रो जेल है ना, ये वाला कलर्ड है, ये मैं ज़्यादातर ये लगाती हूँ। ये ज़्यादा थोड़ा सा कलर भी दे देता है, और जो है ना वो डिफाइंड भी कर देता है आपकी आईब्रो। इसी तरह का आपको इधर नॉर्मली किको में भी मिल जाएगा, अगर अच्छे में आपने लेना है तो आपको बेनिफिट का भी मिल जाएगा। ये देखिए, अच्छा मैं ये वीडियो ना नेचुरल लाइट में भी खड़े होके बना सकती थी ना, नेचुरल लाइट में पंगा ये है सबसे बड़ा कि मेरे बच्चे उधर बैठे हैं, वो तूफानी बच्चे हैं, उन्होंने मेरी माँ बहन एक कर देनी है उधर, स्पेशली मेरे बेटे ने। तो ये है जी मेरा न्यू जो फाउंडेशन था जिसका मैंने आपको बताया, मैंने आपको करके भी उस पर दिखा दिया, आप चेक करें ज़रा मेरा फाउंडेशन। बैक साइड से दिखाऊं, ये देखें जी थोड़ा मुझे आप बैक साइड से भी देख लें, ठीक है ना। आप ये ना कहें कि पता नहीं कैसी लग रही है बैक साइड से, ये मेरी फुल एंड फाइनल लुक। अच्छा जी ये मेरी फाइनल लुक, ये डेली की मेरी मिनिमल से मेकअप लुक है। आप इसी फाउंडेशन को 2 कोट भी करके इसको हाई कवरेज भी बना सकते हो, लेकिन मुझे क्योंकि पसंद नहीं है तो इस वजह से। और ये मिनिमल सा मेकअप है, आप देखें क्रीम से भी आप देखें। अब ये ना कि कोई फिल्टर कोई कुछ भी नहीं मैंने लगाया हुआ, ठीक है। बस वीडियो मैं अपने दूसरे फ़ोन से बना रही हूँ, आईफोन से नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिंग समझे तो वो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से रिकमेंड करिएगा, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग करने वाले हैं कहीं, और अगर मुझे ज़्यादा सारे कमेंट्स आए ना और ज़्यादा सारा मुझे रिस्पॉन्स आया ना आपका, तो फिर मैं आपके साथ जो मेरी ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो भी मैं शेयर करूँगी, और अपनी पैकेजिंग वगैरह भी सारी शेयर करूँगी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई ब्रांडेड चीज़, नहीं ब्रांडेड तो है मेरे पास काफ़ी है, एक चीज़ लेनी है मैंने ब्रांड की लेनी है, ठीक है, जो अभी तक मैंने नहीं ली हुई वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पे और आपके फॉलो करने पे मेरे चैनल पे। अगर तो मेरे चैनल पे धड़ाधड़ करके फॉलोअर्स आए और लोगों ने मेरे चैनल को रिव्यू किया तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, और मैं मिलती हूँ किसी अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।